हेलो एवरीवन, राम राम, राधे राधे। आज हम आए हैं जयपुर में फेमस वड़ा पाव खाने, जिसका नाम है रोहित भैया मुंबई का वड़ा पाव। और हमने मांगा है न्यूट्रीलाइट बटर वड़ा पाव, जो कि 25 रुपए का है और बहुत टेस्टी होता है, ऐसा हमने कई लोगों से सुना है। तो यहाँ सबसे पहले कोफ्ते तैयार होते हैं, वह इसके मसाले के लिए प्याज व हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट डालकर भूनते हैं। फिर इसमें उबले हुए आलू, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालते हैं। फिर इसे अच्छे से मिलाकर नींबू का रस डालकर फिर इसे भूनकर एक पेस्ट तैयार करते हैं। फिर थोड़ा सा पानी डालकर बेसन का घोल तैयार करते हैं। वह तैयार किए हुए मसाले पेस्ट में से मसाला लेकर छोटी बॉल बनाते हैं। वह तैयार की गई इन बॉल को बेसन के घोल में डालने के बाद डीप फ्राई करते हैं। उसके बाद इस वड़े को पाव के बीच में रखा जाता है। वैसे तो पाव को मीठी और तीखी चटनी के साथ सर्व किया जाता है, कुछ लोग इसे हरी मिर्च के साथ भी खाना पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे शाम को एक कप के चाय के साथ भी खा सकते हैं। वड़ा पाव मुंबई का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। मुंबई के लोग वड़ा पाव को बहुत ही चाव से खाते हैं। वैसे तो यह बटाटा वड़ा होता है, जिसमें दो पाव के बीच में बटाटा लगा होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का ये फेवरेट स्नैक है, और आप भी इस फेवरेट स्नैक को आसानी से खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वह वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो जगह है, ये ब्रह्मपुरी बस स्टैंड से गंगोरी हॉस्पिटल जब जाते हैं तो ये वड़ा पाव वाली जगह बीच में ही पड़ती है। सो आप यहाँ आकर फूड एंजॉय कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये वड़ा पाव कितना अच्छा दिख रहा है, और हरी मिर्च के साथ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये वड़ा पाव कितना अच्छा लगा मुझे, और मुझे टेस्ट करने में ये वड़ा पाव बहुत ही अच्छा लगा। सो आप भी यहाँ आकर वड़ा पाव टेस्ट कर सकते हैं।